नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, अब गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की आजादी में मुसलमानों की भागीदारी का नाम नहीं लेने का आरोप भाजपा पर लगाया था। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, ओवैसी के मन में सदा से घृणा रही है, उन्होंने घृणा ही फैलाने का काम किया है, इनका तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनका भाई कहता है कि 20 मिनट पुलिस हट जाए तो वहां के हिंदुओं को बता देंगे। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि आजादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई, जिन्ना के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और जिन्ना के साथ जो बड़े नेता थे वह देश को तोड़ने की साजिश 1906 से कर रहे थे। इसका परिणाम 1947 में जिन्ना के नेतृत्व में सामने आया। ओवैसी दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं। नसीहत देना ही है तो पाकिस्तान को दो, बांग्लादेश को दो। गिरिराज ने आगे कहा कि भारत से जो हिंदू इन देशों में गए थे वह बचे नहीं है। भारत का दिल देखें, यहाँ सनातन धर्म का सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आज पाकिस्तान में 1% हिंदू बचे हैं, बाकी कहाँ चले गए? ओवैसी साहब इसकी चिंता नहीं करेंगे आप? आप पूछेंगे नहीं कि आखिर वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या हुआ? ओवैसी भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, जैसे जिन्ना ने किया था। भारत के सब लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का अधिकार है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।